रीवा जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वो खुद को पुलिस या सीबीआई बताकर भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला आज रीवा के दो थाना क्षेत्रों का है, जहां बदमाशों ने सिविल लाइन थाना के अंतर्गत पहले एक महिला को ठगा, फिर सामान थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में रिटायर्ड चिकित्सक को शिकार बनाया। पूरी घटना की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि दो युवकों ने आज सुबह एक बुजुर्ग महिला को रोका और खुद को पुलिस बताते हुए चैन महिला का चेन झपटी और लेकर चंपत हो गए। वहीं पीड़ितों को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। घटना सुबह हुई थी, जिसमें दो लोग आए, एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, 62 साल की उम्र थी, अपनी नातिन को ट्यूशन छोड़ के वापस जा रही थी अपने घर की तरफ। तो घर से 200 मीटर की दूरी पे ही कुछ दो लोग आए मोटरसाइकिल से। उसको बोला कि हम लोग पुलिस में हैं और इस तरह की वारदातें कुछ होती हैं तो आपकी एंट्री करना, आप चैन पहने हो। तो महिला से जैसी बातचीत करे कि कोई इस तरह से अपनी चैन उतार के क्यों देगा, क्यों एंट्री कराएगा। उसी बीच थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति आया, दूसरा, बोले मेरी चैन है भैया, इसकी भी एंट्री कर लो। ऐसा क्या है कि उन लोगों से बोला तो एंट्री करने लगे, उसको उन्होंने चैन एंट्री की वापस दे दी। तो महिला ने बोले भैया लो मेरी भी कर लो, और उसको बदल के फिर नकली चैन दे दी और वहाँ से भाग गए। सिविल लाइन थाने के बाद फिर ये समान थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर साहब हैं, रिटायर CMO हैं, वो अपने यहाँ बैठे हुए थे इंदिरा नगर में, उनके पास भी जाकर उन्होंने ऐसे ही तरह से कि हम CBI से आए हैं और आपके पड़ोस में लूट की वारदात हुई है, हमको ये चैन आपकी पहचान करनी है। उसी तरह से एक तीसरा व्यक्ति भी वो आया कि आप भाई ऐसा ऐसा करके मेरी भी उसका वो कर लो।